नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धुनुची आरती में। दोस्तों, हरतालिका तीज के बारे में जो है आप लोगों ने मुझे बहुत बार एक्चुअली मेल किया और बहुत लोगों ने मुझसे कहा भी कि इसके ऊपर वीडियो बनाने के लिए। और सच में बताऊँ तो मेरा भी जो है इसके ऊपर वीडियो, मतलब मैंने सोचा था कि कुछ ज़्यादा ही इस बार जो है आप लोगों को इसके विषय में बताऊँगा अलग अलग वीडियो करके। पर मेरा तबीयत अचानक जो है ना, जन्माष्टमी के दूसरे दिन से ही जो है मेरा तबीयत इतना ज़्यादा बिगड़ गया और बहुत ज़्यादा जो है मतलब बहुत दुर्बलता महसूस हो रहा है। तो इसलिए जो है मैं उस प्रकार से वीडियो बना नहीं पाया। और फिर भी जो है मुझे लगा कि कम से कम एक वीडियो आप लोगों को कम से कम समझाने के लिए बनाना ज़रूरी है। आप लोगों ने जैसे कि मुझसे पूछा था कि धूप पूजा के बारे में किस तरीके से हरतालिका तीज जो है वो मनाए जाएंगे धूप पूजा के माध्यम से, धूप आरती, धूप पूजा आदि के माध्यम से। ज़्यादातर देखिए, आप में से कई लोग मुझसे ये भी कहते हैं, कई लोग शायद चैनल देखते पर उसके बाद भी ये कहते हैं कि दादा आप खाली धूप पूजा के बारे में क्यों बता जाते। तो हमारे चैनल ही इसके ऊपर आधारित है, तो जो विषय के ऊपर चैनल है वहाँ पर तो वही विषय जो है बताए जाएंगे, वही विषय जो है वो दिखाए जाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा। और ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ ये दिखाता हूँ, हाँ 80% यही विषय होता है हमारा, पर 20% कई सारे दूसरे विषय भी आपको मिल ही जाएंगे और आप लोग जानते ही हैं। तो ये सारे बातें करने का मुझे लगता है कोई मतलब है नहीं। तो जो भी हो, जैसे कि आप लोगों का ये सवाल है कि धूप पूजा के माध्यम से हम संक्षिप्त में किस तरीके से जो है हरतालिका तीज की पूजन करें। मेरे पास यहाँ पर ना शंकर पार्वती के कोई मूर्ति या फिर फोटो मेरे पास नहीं है, तो मैंने कुछ अलग से नहीं रखा है। आप लोग जो है मिट्टी से कंगा मिट्टी लाकर जो है आप श्री जो शंकर पार्वती के मूर्ति बना सकते हैं, गणपति जी के मूर्ति बना सकते हैं, या सुपारी में भी गणपति जी आप रख सकते हैं, पर शंकर पार्वती खासकर जो है वो बनाना ही चाहिए आपको। शिवलिंग बना सकते हैं आप सभी लोग, कुछ लोग जो है उन्हें मूर्ति बनाना तो उस प्रकार से नहीं आता, तो वो शिवलिंग बना सकते हैं। उसके साथ अगर शंकर पार्वती के फोटो है तो वो भी आप रख सकते हैं शिवलिंग के साथ ही। और उसके साथ साथ जैसे कि मान लीजिए आपके पास शंकर पार्वती के फोटो है, या फिर ऐसे कोई अगर माता अन्नपूर्णा और शिव जी के भी फोटो आपके पास है तो वो भी आप जो है रख सकते हैं, रख कर जो है पूजन कर सकते हैं आप तीज के पूजन जो है। वैसे मेरे पास अन्नपूर्णा माता के फोटो तो है, पर वो जो है मैंने यहाँ पर अलग से नहीं रखा है, क्योंकि उससे जो है कई सारे लोग शायद कई दूसरे सारे सवाल आदि कर सकते, तो इसलिए मैंने यहाँ पर कुछ अलग से नहीं रखा है। पर आप रख सकते हैं, अगर आपके पास शिव जी सहित माता अन्नपूर्णा की फोटो है तो उसमें आप जो है ये कर सकते हैं। पर शिव पार्वती, मूल रूप से शिव पार्वती के फोटो या उनके मूर्ति आदि में ही ये पूजन जो है वो ज़्यादा सही होता है। तो इस प्रकार से आपको जो है मूर्ति आदि की व्यवस्था करना है, और उसके बाद आपको कलश स्थापना अवश्य करना है। कलश स्थापना करते करने में ये हर किसी के ना अपने परंपरा होती है। तीज के ये जो हरतालिका तीज होती है, ये खासकर जो है बिहार, झारखंड, उसके साथ पूर्वांचल क्षेत्र में ही ज़्यादा मनाए जाते हैं। मतलब उत्तर प्रदेश के जो पूर्वी क्षेत्र हैं वहाँ पर, बिहार में और झारखंड में, बाकी जगहों पर भी मनाए जा सकते हैं, पर मुझे उतना नहीं पता। ज़्यादातर मैंने भी उनसे ही ज़्यादातर जो सुना है, अब मेरे परिचित बिहार वाले और पूर्वांचल के लोगों से, बनारस के मेरे भाइयों से जो जो मैंने सुना है कि हरतालिका तीज जो है वो खासकर पूर्वांचल और बिहार आदि में ही जो है विशेष कर मनाए जाते हैं। तो इसमें जो है आपको कलश स्थापना करना है। अब आपके जैसे परंपरा है, बहुत सारे घरों के जैसे इस दिन दिया रखे ही, क्योंकि हरतालिका तीज जो है ये एक प्रकार से जो है पति व्रत है, ये एक पति पति
व्रत है, तो इस कारण से जो है मतलब जो पतिव्रता नारी होते वही खासकर जो है ये पूजन आदि करते। देखिए पूजन तो हर कोई कर सकता है, मुझे नहीं लगता कि पूजन करने के लिए कोई विशेष ऐसी विषय होना चाहिए, पर विशेषकर हर त्यौहार और हर मान्यता के पीछे एक विशेष हमारा जो है विषय जुड़ा हुआ है, तो ये खासकर जो है पतिव्रत के लिए रखा जाता है। तो इस कारण से इसमें जिसकी जो परंपरा है, जिन घरों की परंपरा मान लीजिए कलश पे दीपक रखने का है वो दीपक रखे, जिनका अलग से कोई परंपरा नहीं है वो नारियल ही रखे, वो दीपक ना रखे। जिनके परंपरा है दीपक रखने का वही केवल रखे, पर जिनके कुछ अलग से कोई परंपरा आदि नहीं है वो नारियल ही जो है रखकर कलश स्थापना करें। उसके बाद जैसे कि पंचोपचार आदि से आपको भगवान शिव माता पार्वती सर्वप्रथम तो जैसे कि गणपति पूजन आपको करना है, पंचदेव पूजन आपको करना है। पंचदेव पूजन में बहुत सारे लोग आप लोग मुझसे कहते हैं कि दादा गणेश अंबिका पूजन ही काफ़ी होता है। गणेश अंबिका पूजन जो होता है वो आप कर ही सकते हैं, पर उसके साथ साथ पंचदेव पूजन भी करना ज़रूरी होता है। अब कई जगह पर जैसे यही परंपरा होता है कि केवल गणेश अंबिका पूजन किए जाते हैं गृहस्थ पूजा में, तो ठीक है, पर गंध पुष्प से कम अगर जो है आप पंचदेव के पूजन करते हैं, अर्थात जो है गणपति जी उसके साथ साथ विष्णु श्री हरि विष्णु के, उसके साथ शिव जी के, सूर्य भगवान के, उसके साथ साथ माता रानी के और अग्नि देवता के भी पूजन करना चाहिए। असल में नियम के अनुसार क्या होता है, पंचदेव में अगर हम सुबह के समय पूजन कर रहे हैं तो उसमें हमें सूर्य देव का ही पूजन करना चाहिए, पर शाम के समय कोई भी पूजन कर रहे हैं तो पंचदेव में अग्नि का पूजन करना चाहिए। पर सभी का भी करने का जो है वो चलन है, तो ये किया जा सकता है, कुछ गलत नहीं है उस प्रकार से जो है ये किया जा सकता है, समस्या नहीं है उसमें जो है। तो ये आप करने के बाद जो है आप गंध पुष्प से ही, केवल गंध पुष्प से आप इनके पूजन करिए, जैसे ओम गणेशाय नमः, उसके साथ साथ जैसे कि ओम सूर्याय नमः, ओम नारायण विष्णवे नमः, ओम शिवाय नमः, ओम जय दुर्गायै नमः, ओम अग्ने नमः, इस प्रकार से जो है आप जो है पूजन करिए गंध पुष्प से, केवल मात्र जो है पूजन करिए। उसके बाद आप जो है पंचोपचार से या दशोपचार से जो है आप शिव जी और माता पार्वती के जो है पूजन करिए। अब ये धूप पूजन में अगर आप केवल पूजन करना चाहते हैं, यानी कि धूप उपचार से पूजन करना चाहते हैं, तो उसमें आपको जैसे धूप निवेदन आदि करना होगा, उसमें आपको धूप नैवेद्यम आदि देना होगा, धूप अनुवासन आदि जो है ये आपको करना होगा। अगर आप जो है धूप पूजन केवल करना चाहते हैं तो आप जैसे कि आचमनीय प्रदान कीजिए, उसके बाद जो है गंध पुष्प अक्षत प्रदान कीजिए, उसके बाद जो है आप धुनची धूप जो है वो निवेदन करिए, उसके बाद जो है आप फल मूल आदि दीप निवेदन करिए, जिनके दीप निवेदन करने की परंपरा है वो अवश्य दीप निवेदन करना ही चाहिए। एक्चुअली मेरे यहाँ पर जैसे एक दीप निवेदन नहीं किए जाते, तो कई समय जो आप लोग मुझे कहते कि दादा क्या दीप निवेदन ना करें, एक दीप क्या निवेदन ना करें, ऐसा नहीं है। असल में वो मेरे यहाँ का मेरे एक्चुअली अभ्यास हो गया है एक दीप ना निवेदन के विषय, तो कई समय मुझसे स्किप हो जाता है, आदत के कारण ये जो होता है। तो धूप निवेदन करने के बाद दीप निवेदन करते हुए आप कुछ फल मतलब जो है आप नारियल खासकर जो है अवश्य रूप से अखंड नारियल जो है वो अवश्य रूप से चढ़ाएं और निवेदन करें असल में जो है। उसके बाद जो है आप धूप नैवेद्यम निवेदन करें, उसके बाद जो है आप धूप अनुवासन करिए। इस माध्यम से जो है आप धूप उपचार पूजा कर सकते हैं। तो धूप उपचार यानी कि धूप पूजा का असल अर्थ होता है धूप के कई सारे विधियों से, धूप के कई सारे मतलब द्रव्यों से आपको पूजा करना होता है। तो धूप पूजन आप केवल जो है धूप निवेदन और धूप आरती से भी कर सकते हैं, उसके साथ साथ जैसे कि
अधुनुचि धूप निवेदन के साथ धूप नैवेद्यम निवेदन और धूप आरती इस माध्यम से भी कर सकते हैं। और जिन्हें जो है इतने सारे विधि आदि जो है वो कुछ नहीं आते हैं, मंत्र आदि इन सारे विषयों में वो नहीं जाना चाहते, तो वो जो है केवल आरती के माध्यम से ही धूप दीप आरती के धूप और अधुनुचि धूप जो है इस दिन कोशिश करिएगा दोस्तों कि आप अगर जो है तीज की आरती कर रहे हैं तो आप जो है जोड़े में आरती करिएगा, अर्थात जो है दो धुनुचि में और दो दीपक में, अगर दो आरती के दीपक में अगर आप आरती कर पाते हैं तो ये बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा शगुन होता है ये, अगर आप ये आरती कर पाते हैं जोड़े में, कहा जाता है इसे जोड़े में अगर आप ये आरती कर पाते। ये असल में जैसे धूप आराधना दीप आराधना ही होता है, तो वही विधि जो है अगर आप यहाँ पर, मैं यहाँ पर जोड़े में ही बोल रहा हूँ वो उस विषय को जो है, अगर आप जोड़े में वो आरती आप करते हैं तो बहुत ही अच्छा होता है तीज के दिन, हरतालिका तीज के दिन अगर आप ये करते हैं। सुबह के समय आप पूजन कर रहे हैं, उसके बाद आपको जो है संध्या के समय भी पूजन आरती करने के बाद ही जो है आपको अपने दूसरे रिचुअल्स यानी कि चंद्रमा देखते हुए जो है पति के हाथ से जल ग्रहण आदि करना, ये जो भी सारे विषय आदि है ये सारी चीज़ें आपको संध्या के आरती के बाद ही करना चाहिए, अर्थात जो है आपको संध्या के समय आरती अवश्य रूप से करना चाहिए। कई घरों की ये परंपरा होती है कि वो संध्या के समय ही पूजन आदि करते हैं, तो ये जैसे कि देखिए जिनके घर के अपने परंपरा होंगे वो घर के उन परंपराओं के साथ ही उसे पालन करेंगे, चाहे वो धूप पूजा कर रहे हैं या फिर जो है दशोपचार आदि के साथ जो है वो पूजा करना चाहते हैं। तो परंपरा एक बहुत विषय हो जाता है, जिनके जिस टाइम में करने की परंपरा होती है उन्हें उस समय ही पूजा करना चाहिए। तो अगर आपकी वहाँ पर संध्या के समय करने की परंपरा है तो आप वही कर सकते हैं, पर सुबह के समय पूजन करते हुए उसके बाद जो है संध्या के समय भी आपको आरती करने के बाद ही जो है आपको दूसरे जो भी सारे नियम आदि है उन चीज़ों का पालन करना चाहिए। जो पति के हाथ से जल ग्रहण करना, चंद्रमा को देखना, जल ग्रहण करना, उसके साथ साथ जो है भोजन आदि लेना, भोजन आदि परोसना, सुहागणों को कुछ जो है जो दिया जाता है ना वहाँ पर, जैसे मेरे बनारस के दोस्त आदि कहते हैं खोइचा दिया जाता है वहाँ पर, यही शब्द होता, यही शायद शब्द होता, मैं एक्चुअली सही से तो इस शब्द को नहीं, शायद उसे जो सुहाग की टोकरी होते उसे खोइचा ही कहा जाता है शायद वहाँ पर, तो हमारे यहाँ पर जैसे कि सुहाग चुपड़ी कहा जाता है उसे, जो है सुहाग चुपड़ी कहा जाता है। तो ये नाम एक्चुअली मैंने इस प्रकार से सुना है, ये लेकर ये आप लोग कुछ गलत मत कि ये एक्चुअली मैं शायद मेरे उच्चारण में शायद गलती हो सकते हैं, पर जहाँ तक मैंने सुना है उसे खोइचा ही कहा जाता है। तो वो जो है आप सुहागनों को दे सकते हैं, और उसके साथ साथ जो बड़े आपके घर के होंगे उनके आशीर्वाद मिल सकते हैं आप, और उसके साथ साथ एक कार्य इस दिन आप अवश्य करिए कि किसी के साथ कोई विवाद मत करिए, किसी के साथ किसी भी प्रकार की कोई मन मुटाव जो है, बहुत सारे समय आपसी किसी भी प्रकार की कोई, मतलब मान लीजिए कि पति पत्नी में भी जो है आपसी कई समय, देखिए दोस्तों एक जगह पर जब हम रहते हैं तो आपसी कई सारे मन मुटाव होते हैं, कई सारे जो होते हैं ना अच्छे बुरे हमें लगते हैं, तो उन सारी चीज़ों को भुलाकर इन इस दिन से एक नई शुरुआत हमेशा करिएगा। कभी भी जो है उन सारी चीज़ों को, साल के ऐसे जो भी सारे गिले शिकवे होंगे उन्हें जो है मिटाकर इस दिन से एक हमेशा नई शुरुआत करिएगा, तभी आपके ये व्रत जो है ना वो सफल होंगे। और जब मान लीजिएगा आप लोग के जीवन शैली जो है स्वस्थ होंगी, यानी कि आपके पति पत्नी के, तो शंकर पार्वती की तरह जो होंगे, मतलब शंकर पार्वती के बिना अधूरे हैं, माता पार्वती शंकर के बिना अधूरे हैं, इसीलिए कहा जाता है कि माँ के ये दर्शन करने से ही जो है शंकर के दर्शन हो जाते और शंकर में ही माता पार्वती विराजते हैं, क्योंकि वो एक ही है, अर्धनारीश्वर है वो। तो इसी प्रकार आपके भी
जो है संबंध होने चाहिए, ताकि आपके बच्चे जो है ना आपको देखकर सीखे, और तभी आपके बच्चे भी जो है एक स्वस्थ जीवन पाएंगे, वो तभी जो है आपके इन सारे विषयों को देखकर जो है उनके जीवन भी एक सुंदर बनेगा दोस्तों। तो हमेशा एक नए शुरुआत के लिए भी तीज जो है वो एक खास दिन होता है। तो तीज के पूजन के लिए, हरतालिका तीज पूजन के लिए जो है मुझे लगा कि यही जो है आप लोगों को बताना ज़रूरी है। मैं सच में जो है अभी भी पूरी तरीके से ठीक नहीं हूँ, और सच में उतने अच्छे तरीके से मैं ये वीडियो शायद नहीं बना पाया, तो उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ दोस्तों। आप लोग जो है कृपया, अगर आप लोगों का इसके बारे में कोई सवाल आती है या फिर जो है आप लोग कुछ पूछना चाहते हैं इस वीडियो के बारे में, तो आप लोग मुझे कमेंट्स करके या मेल करके बोल सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।